हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिसंबर में सर्दी अपने फ्रीजिंग लेवल पर पहुंच चुकी है और ऐसे में अपने आप को गर्म रखने के लिए हमारे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है सूप। सूप ही एक ऐसा बी एवरेज एलिमेंट है जो हमारे शरीर को अंदर से नरिश करता है और साथ ही हमारे कोर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। तो चलिए आज हम बनाते हैं बहुत ही हेल्दी सूप। आज मैं बनाने वाली हूँ ब्रोकली का सूप। सबसे पहले हम सूप के लिए वेजिटेबल स्टॉक तैयार करेंगे। उसके लिए जितनी भी हमारे पास वेजिटेबल हैं उसके जो वेस्ट हम फेंक देते हैं उसको हम डालकर बॉईल कर लेंगे। सूप बनाते समय वेजिटेबल स्टॉक डालने से इसकी न्यूट्रिशंस वैल्यू और भी बढ़ जाती है और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। इसीलिए जब भी आप बनाएं तो वेजिटेबल स्टॉक जरूर डालें। इसे लगभग हम आधे घंटे तक पकाएंगे, फिर हमारा वेजिटेबल स्टॉक तैयार हो जाएगा। अब एक पैन में हम 1 इंच बटर का टुकड़ा लेते हैं। जब वो मेल्ट हो जाएगा तब उसमें 8-10 लहसुन की कलियां डालेंगे और साथ ही डालेंगे 1 इंच मोटे टुकड़ों में कटा हुआ अदरक। इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फिर इसके अंदर डालेंगे 1 प्याज, उसे भी हम रफली चॉप करके ही डालेंगे क्योंकि हमें इसे ग्राइंड करके पेस्ट ही बनाना है। साथ ही डालेंगे 8-10 काली मिर्च के दाने और फिर इसके अंदर हम ब्रोकली और थोड़े से मटर डालकर हम इसे 50% लगभग पका लेंगे। इसे हम ढककर भी पका सकते हैं। ढककर पकाने से जल्दी से सब्जियां नरम हो जाएंगी। इसे लगभग हम 3 से 4 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। ब्रोकली के अंदर बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं, विटामिन के, सी, ए, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक और भी कई न्यूट्रिशंस वैल्यू पाई जाती है जो हमारे बोन और जॉइंट्स हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी होती है। इसीलिए सर्दियों में हमें इस सूप को जरूर पीना चाहिए। हमारा जो फ्राई किया हुआ ब्रोकली है उसे अब हम एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर उसी पैन में हम डालेंगे लगभग 1 चम्मच के आसपास बटर। जब बटर मेल्ट हो जाए तब इसके अंदर हम डालेंगे बारीक कटी हुई सब्जियां। बारीक कटी हुई सब्जियों में मैंने गाजर, बीन्स, शिमला मिर्च और ब्रोकली के छोटे छोटे फ्लावर लिए हैं। आप इस सूप के अंदर अपनी मनपसंद कोई सी भी वेजिटेबल डाल सकते हैं। आप इसके अंदर पनीर, कॉर्न या मटर के दाने भी डाल सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा क्रंची ही रखेंगे, हमें इसे गलाना नहीं है। ये भी हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम वेजिटेबल स्टॉक को देख लेते हैं। लगभग ये भी बनकर तैयार हो चुका है। इसको हम ठंडा कर लेंगे और फिर इसका हम वेजिटेबल सूप में यूज करेंगे। अब जो हमने एक प्लेट में ब्रोकली को निकाल कर ठंडा होने के लिए रखा था उसे हम मिक्सचर जार में डाल देंगे और साथ ही डालेंगे 8-10 काजू और इसके अंदर वेजिटेबल स्टॉक डालकर हम इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब इस पेस्ट को जो हमने बारीक कटी हुई सब्जियों को फ्राई किया था उसके अंदर डाल देंगे और अपनी ज़रूरत अनुसार इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। जितनी हमें थिकनेस की ज़रूरत होगी हम उस हिसाब से पानी डालेंगे। पानी से मेरा मतलब है वेजिटेबल स्टॉक। इसके अंदर हम क्रीम का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ब्रोकली का सूप वैसे भी बहुत टेस्टी लगता है। इसके अंदर हमने रिचनेस के लिए काजू डाला है। काजू का स्वाद इस ब्रोकली सूप में बहुत ही टेस्टी लगता है। वेजिटेबल स्टॉक डालने के बाद इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर इसके अंदर हम थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार डालकर 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। फिर हमारा ब्रोकली का सूप बनकर तैयार है। ब्रोकली का सूप हमारा इतना टेस्टी और मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है और साथ ही इसके अंदर इतने सारे गुण हैं कि आप अगर इसे 1 कटोरी पी लें तो आपको कई घंटों तक भूख नहीं लगेगी। अगर आपके लिए मेरी ये रेसिपी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर मेरे चैनल को देखना आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस करना ना भूलें और मेरे फेसबुक पेज पर जाकर पिक्कल चिक्कल बाय अक्षरा रति को फॉलो करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।